संत महात्मा यही बताते महाराज, बुरे लोगों में संगठन टूटता नहीं और अच्छों में संगठन बनता नहीं। अच्छों में संगठन बन जाए तो फिर बुरे संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे। बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप ध्यान कर लेना, सोशल मीडिया पर भी बुरे लोग आपस में अटैचमेंट हो जाते हैं, फेसबुक के माध्यम से। आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक कहां कहां चल रहा है, और आदमी मोबाइल को रख करके दिखा ये रहा है कि हम गुरु भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, हम गुरुजी पे दीवाने मरी जा रहे हैं, और फेसबुक न जाने कहां कहां नंबर फ्रेंडशिप जोड़ता घूम रहा है। इसीलिए तुम घर के न घाट के कहीं के नहीं बचोगे महाराज। अच्छों के साथ रहना बहुत जरूरी है। बुराई बुराई होती है, अच्छाई अच्छाई होती है। अच्छाई में सुगंध है, बुराई में दुर्गंध है। पर जितने भी फेसबुक पर दुनिया चल रही है उसमें 5% भी अच्छे लोग ऐसे नहीं हैं जो आपस में ग्रुप बनाए हो, चीटिंग करते। क्या फायदा है महाराज फेसबुक का? इसलिए अच्छा प्रयोग हो हर चीज का, हर साधन का। अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छी बात लिखो, अच्छी चीजें करो। है मैसेज भेज देते हैं फ्रेंडशिप पे, फेसबुक पे एक्सेप्ट करो फ्रेंडशिप। अरे इतने फ्री घूम रहे तुम, तुम्हारे पास में जब इतना ही फ्री फ्रीडम है, इतने फ्री घूम रहे हो कि अरे गहरे नत्थू खेरा कोई भी फेसबुक पे आके हमें दोस्त बना लो, दोस्त बना लो, दोस्त बना लो। इतनी भूख है तुम में दोस्त बनाने की, तो भगवान को दोस्त बना लो। तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें व, ये तो इस श्लोक में भी लिखा है कि तुम्हारे अंदर आग लगी पड़ी है दोस्ती की, तो भगवान को दोस्त बनाओ, कन्हैया जी को बना लो। अच्छा ये कमजोर लगते हैं कन्हैया जी, तो हनुमान जी को लगा लो, उनकी बाजू बड़ी मोटी मोटी है। तुम्हें पहलवान चाहिए तो पहलवान भी मिलता है भगवान के रूप में, और तुम्हें मजबूत चाहिए तो शंकर भगवान को बना लो दोस्त फ्रेंड। तुम्हें रसिक प्रेम चाहिए तो कृष्ण। अपने विचारों को मैं फ्रेंड बनाने के लिए किसी को ना नहीं बोलता हूं। अभयम मित्रा दभयम मित्रा जाता दभयम परोक्षात। भगवान वेद कहते हैं कि मित्रता संसार में सबसे बड़ा वरदान है। मित्रता जरूर होनी चाहिए, पर मित्रता ही होनी चाहिए। मित्रता माने बहुत बड़ा उपकार होना है। मैत्री तीनों गुणों से रहित हो के मिलन को मित्रता कहते हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण सारी इच्छाओं को मारकर जिनसे हम प्रेम करते हैं उसको मित्रता कहते हैं। जिन मित्रता में कोई इच्छा है वो मित्रता है नहीं, वो मित्रता के नाम पे मात्र कलंक है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। वो तो दुर्गंध है, वो तो दुष्टता ही है, उसमें कुछ भेद है। आप कोई प्यार करते हैं, आप किसी को लुभाना चाहते हैं, आप किसी को मनाना चाहते हैं, आप वस्तु पदार्थ से भगवान को मना नहीं सकते। उनको मनाने के लिए तो आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। आप सच्चे हैं तो आपको ये मिल जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं।